Let's do one more problem based on diffraction. So in this question, आपको बताया गया है कि एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ a है. इसको इल्यूमिनेट किया जाता है बाय वायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है और सेंट्रल फ्रिंज की जो विड्थ है वो y है. जब हाफ द विड्थ कवर्ड है और येलो लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ निकालना है डिफ्रैक्शन पैटर्न में. तो हम जानते हैं पहले मिनिमा का पोजिशन है थीटा इक्वल्स प्लस माइनस लैम्डा बाई ए. नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा 2 थीटा होता है, करेक्ट? थीटा ऊपर और थीटा नीचे, ऊपर एक आएगा और नीचे एक आएगा. सो बीटा एंगुलर इज नथिंग बट लैम्डा बाई ए माइनस माइनस लैम्डा बाई ए विच इज 2 लैम्डा बाई ए. अब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी? एंगुलर विड्थ अगर 2 लैम्डा बाई ए है, विड्थ होगी एंगुलर विड्थ इंटू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. ये ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन. सो बीटा इज नथिंग बट 2 लैम्डा d बाई ए. तो आपको कभी भी किसी भी सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है, उसका विड्थ निकालने का तरीका होता है एंगुलर विड्थ इंटू d विच इज 2 लैम्डा d बाई ए. तो अब उस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं वायलेट लाइट के लिए 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, बीटा वायलेट इज 2d इंटू 400 बाई ए, वो y दिया गया है आपको, विच मीन्स y इज 800 d बाई ए. अब जब येलो लाइट हो जाता है, आपको वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दिया गया है और हाफ ऑफ द स्लिट विड्थ इज कवर्ड, इसका मतलब जो a है वो a बाई 2 हो जाता है. सो येलो लाइट के लिए जो एंगुलर विड्थ है दैट इज 2d इंटू 600 डिवाइडेड बाई a बाई 2, क्योंकि आधा स्लिट अगर कवर हो जाएगा तो स्लिट विड्थ जो नया है वो a बाई 2 हो जाएगा. This becomes 2400 d by a. So which basically means, अगर आप दोनों equations को compare करो, yellow light का जो beta है, that is 3 times violet light का beta, which is 3y. Hence, y अगर violet light में width है, तो yellow light में, with half the slit covered, the diffraction width becomes 3y.